उनका जो भेदा पार है। और जो आज आयोजन हो रहे हैं ओ पिताजी के उपलक्ष्य में हो रहे हैं, ऐसा हो श्रवण बेटे तो अभी राजू भाई बोल रहे आने के भाई आजकल को समय बिगड़ गयो, आजकल सेवा नहीं करे, क्यों नहीं करे? कोई अमर चंद जी ज्ञान का पुत्र सुपुत्र तो सेवा जरूर करे। आज भी इस कलयुग में सतयुग जावे उन्हीं को कहते हैं है? सच्चा इंसान। ये बड़े बड़े आयोजन पुण्य आत्मा के उपलक्ष्य में जिसने दुखाया परमात्मा मिलते ना दूजी बार है। छोटा सा भजन दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। तुलसी जब लक घट में प्राण, मानव के दिल में दया तो होनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे दया धर्म का प्रतीक है, पाप मूल अभिमान, पाप नहीं करनो संसार में आ रहा। कहीं कहे कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, पाप अमृत पिलाने से क्या फायदा। प्यासे को पानी पिलाया नहीं, पाप अमृत पिलाने से क्या फायदा।
गया धोया मगर मन को धोया नहीं तन को धोया मगर मन को धोया नहीं फिर गंगा नहाने से सेवा की ही नहीं फिर मंदिर में जाने से क्या फायदा कभी सेवा नहीं की तो हे भाई हे मानव हे मिनट ये तेरा जीवन सफल नहीं हुआ। क्यों? कि माता पिता से बढ़कर कोई मंदिर गुरुद्वारे नहीं है। सबसे बड़े हैं माता पिता, परमात्मा के तुल्य हैं। के माता पिता गुरु चरणों में प्रण तो बारंबार हम पर किया बड़ा बहुत उपकार है। ये नारायण की तरह ये मानव जीवन मिला है नर, तो किसकी बदौलत? माँ बाप के। माँ बाप को जो ठुकराएगा दर दर की ठोकरे, उसको कोई बचाने वाला नहीं। माँ के बारे में लिखते हैं, माँ की दुआ I'm
ही नहीं जाती। चार चार बेटों को पाल लेती है एक माँ, मगर चार बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। इसको कहते हैं माँ का दर्जा ऊंचा, जन्नत है माँ के चरणों में, तो माँ बाप से बढ़कर संसार में कोई नहीं। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, पढ़ा लिखा विद्वान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। ये जो अनिल जी सेन है आज आसमान की बुलंदी छू रहे हैं, तो किसकी बदौलत? माता पिता की। ऐसे संस्कार देते हैं माँ बाप, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पे किया बड़ा तो दान सबसे बड़ा। क्या बताया कवि, क्या लिखता है? करते हुए दया ला गया, मैंने दान दिया, मैंने पुण्य किया, दान करते हुए दया ला गया, मैंने दान किया, मैंने पुण्य किया, पुण्य करते हुए दया ला गया, किसी के भोजन खिलाया नहीं, भोजन खिलाया नहीं, माँ दादी कहने से क्या फायदा, आया।